जिससे युद्ध किया जा सके। युद्ध किया जा सके, जीतने की संभावनाओं से ही युद्ध होते हैं, और जिसे जीतने की संभावना तक ना हो वो अयोध्या है। दिसंबर 1992, अयोध्या ने जो देखा, जो झेला, वो साफ तौर पर उन्माद की पराकाष्ठा है। इसे न मान्य ठहराया जा सकता है और न ही गर्व किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न है कि क्या यही अयोध्या की नियति थी? क्या तीन विवादास्पद गुंबदों की जगह एक भव्य मंदिर वाली नगरी भर है? क्या मात्र राम राज्य की अवधारणा का केंद्र भर है? या एक राजनीतिक मृग तृष्णा है? अयोध्या क्या है और अयोध्या यहां तक कैसे आई, ये जानना भी एक राम कथा जैसा ही रोमांचक है। हमारी आज की कहानी का केंद्र, विवरण और पात्र है यही अयोध्या। अयोध्या भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का बीज केंद्र रही है, लेकिन पिछले 500 सालों में क्या क्या नहीं झेला इस अयोध्या ने। हिंसा, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध और बदला। लेकिन सवाल यह है कि असल में अयोध्या की शुरुआत हुई कहां से? राजा राम, राजा दशरथ? नहीं, असल में अयोध्या की नींव में है सातवें मनु के पुत्र इक्ष्वाकु। अयोध्या नगरी का जिक्र चार वेदों में से अंतिम वेद अथर्ववेद में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 8 चक्र और 9 द्वारों वाली नगरी है अयोध्या। अष्टवक्रा नव द्वारा देवानाम पूर्योध्या, तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ये 8 चक्र और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी है। उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से युक्त है। अयोध्या का इतिहास राम और दशरथ से कहीं पुराना है। राम इक्ष्वाकु वंश की 40वीं पीढ़ी में आते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो अयोध्या का जिक्र काफी बार किया गया है। वही अयोध्या जिसे कभी साकेत के नाम से भी जाना गया और माना गया है कि इसकी बुनियाद मनु ने रखी थी। मनु और इक्ष्वाकु के बाद 26वीं पीढ़ी में रघु हुए, जो इतने प्रतापी थे कि उनके नाम पर कुल का नाम रघुकुल पड़ गया। खैर, ये कहानी रघुकुल की नहीं, रघुकुल की राजधानी अयोध्या की है। अयोध्या के राजा राम की है। राम की इस अयोध्या में एक समय वो था जब राम 14 साल के वनवास में भटक रहे थे और इस इंतजार में अयोध्या सूनी हो गई थी। राम की अयोध्या की हमने बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन त्रेता युग से कलयुग की अयोध्या तक इस नगरी पर क्या क्या बीता, क्या क्या हुआ, किसने किया, ये जानना भी उतना ही दिलचस्प है जितनी इसके किरदारों की कथाएं। और इन किरदारों में वो भी शामिल हैं जो रामायण काल के बाद हुए। अयोध्या कोसलपुर की राजधानी रही। राम के पुत्र लव और कुश ने अयोध्या पर शासन नहीं किया। उनके लिए उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल राज्य था। इसी गुप्तार घाट से जब राम स्वर्ग गए तो माना जाता है सभी अयोध्यावासी उनके साथ ही बैकुंठ धाम चले गए। अयोध्या सरयू में समा गई। इतिहासकारों का दावा है कि गौतम बुद्ध के वक्त जिस साकेत की बात हुई,
वो अयोध्या ही थी। आज की इस नगरी में भी उस साकेत की छाप मिल जाती है। बौद्ध धर्म की और जानकारी के लिए फाहियान 5वीं सदी में भारत आए थे। उन्होंने जिक्र किया है कि उस वक्त अयोध्या में 100 से ज्यादा बौद्ध मठ थे। उसी तरह साल 629 से 654 के बीच कई बार भारत आए चीनी यात्री वेन सांग ने भी अयोध्या का उल्लेख किया है और कहा है कि यहाँ के लोग बुद्ध की तारीफ करते थे। अयोध्या के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ 6वीं शताब्दी में आया। उज्जैन के भिक्षुक परमार्थ ने अपने समय के एक बौद्ध भिक्षुक वसुबंधु की जीवनी लिखी है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी अयोध्या ले गए। इतिहासकारों का मानना है कि एक नहीं, कई राजाओं को विक्रमादित्य कहा गया है और साकेत को अयोध्या का नाम देने वाले थे गुप्त वंश के स्कंदगुप्त। एएसआई ने राम मंदिर के आसपास के इलाकों की खुदाई की, ये जानने की कोशिश की कि आखिर बाबरी मस्जिद से पहले यहाँ क्या था। खुदाई के मुताबिक यहाँ सदियों पुराने मंदिर के अवशेष मिले। 11वीं सदी में गढ़वालों ने यहाँ कई विष्णु मंदिर बनवाए जो औरंगजेब के शासन तक मौजूद थे। डच इतिहासकार हांस टी बेकर ने अपनी किताब अयोध्या में लिखा है, दूसरी शताब्दी तक आते आते अयोध्या तीर्थों में प्रमुख बन गई। साथ ही उन्होंने लिखा कि सरयू के मोड़ की वजह से अयोध्या तीन ओर से पानी में घिरी थी और भूमि के केंद्र में रामकोट या कोट रामचंदर नाम की जगह थी। हांस ने कुबेर टीले का भी जिक्र किया है। साथ ही ये भी लिखा है कि 5वीं शताब्दी तक साकेत यानी अयोध्या इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी की तरह फिर शान और शौकत से जगमगा उठी। मनुना मानवेंद्रेन या पुरी निर्मिता स्वयं, वाल्मीकि रामायण में इसका प्रमाण मिलता है कि सर्वप्रथम जब पृथ्वी की स्थापना हुई तो उस समय मनु महाराज ने, जहाँ से मानवीय सृष्टि आरंभ हुई, तो मनुना मानवेंद्रेन या पुरी निर्मिता स्वयं, अयोध्या पुरी का निर्माण किया। दुनिया की पहली नगरी है ये और हमेशा सुहावनी है। इतिहासकार बेकर के मुताबिक गढ़वालों ने ही श्रीराम जन्मभूमि पर एक बड़ा मंदिर भी बनाया। साल 1226 में दिल्ली सल्तनत के दौरान अयोध्या को अवध की राजधानी घोषित कर दिया गया। कौशल की राजधानी अयोध्या के इतिहास का एक चक्र जैसे पूरा हो गया। हांस ने जिस राम कोट का जिक्र किया था यानी राम के किले का, माना जाता है मीर बाकी ने उसे तोड़कर मस्जिद बनवाई। मस्जिद बनाने का आदेश बाबर का था तो मस्जिद को भी बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। मस्जिद बनाने का साल 1526 या 1528 बताया गया है। अवध में तैनात अंग्रेज अफसर ए फ्यूरर ने 1889 में आई अपनी किताब द मॉन्यूमेंटल एंटीक्विटीज एंड इंस्क्रिप्शंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध में लिखा है कि मस्जिद 1522 में बनाई गई। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा, जन्म स्थान पर रामचंद्र का पुराना मंदिर शानदार रहा होगा। इसके कई खंभों का इस्तेमाल मुसलमानों ने बाबर की मस्जिद बनाने में किया, यानी राम जन्म स्थान पर बने पुराने मंदिर में काम काफी बारीकी से किया गया होगा, क्योंकि उसके कई खंभों का इस्तेमाल मुसलमानों ने बाबर की मस्जिद बनाने में किया। नॉट ओनली प्रमाण मिलते हैं, जो मस्जिद है उसके अंदर भी हिंदुओं के चिन्ह मिलते हैं। ये तो एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ है, ये तो प्रमाणित है कि कई सारी मस्जिदें तो नहीं पर ज्यादातर मस्जिदें इन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़कर उस स्थल पर बनाए। मुगलों ने सिर्फ अयोध्या नहीं, कई शहरों, सिर्फ हिंदू ही नहीं, कई धर्मों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की, लेकिन अयोध्या हर जिक्र में मिली और हर बार अयोध्या राम की रही। 1608 से 1611 के बीच भारत आए ब्रिटिश ट्रैवलर विलियम फिंच अवध के दौरे पर अयोध्या भी गए। उन्होंने लिखा,
यहाँ रामचंद्र के महल और घरों के खंडहर मिलते हैं। भारतीय उन्हें भगवान मानते हैं और मानते हैं कि वो दुनिया का तमाशा देखने इंसानी रूप में आए थे। इन्हीं खंडहरों के पास बहती नदी में कुछ ब्राह्मण स्नान करते हैं। भगवान राम इस देश की आत्मा है, ये खाली जवानी बात नहीं है। जितने वेद शास्त्र हजारों साल पुराने जितने शास्त्र हैं सब में अयोध्या का वर्णन है, और अयोध्या का वर्णन है, दशरथ महल का वर्णन है, सरयू नदी के पास भगवान राम का जन्म हुआ था, ये बात बिल्कुल प्रूव्ड है, कोई शक शुबा नहीं है। साल 1510-1511 में सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी राम जन्मभूमि के दर्शन को गए। उन्होंने अयोध्या में कुछ दिन रुकने का फैसला भी किया। विन एंड एम कॉलवियर्ट और पीटर जी फ्राइडलैंडर की किताब लाइफ एंड वर्क्स ऑफ रायदास में लिखा है कि अयोध्या में गुरु नानक की जिन भक्तों से मुलाकात हुई उनमें संत रविदास भी थे। ऐतिहासिक किताबों में यह भी लिखा है कि गुरु तेग बहादुर और उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह भी अयोध्या दर्शन के लिए आए थे। ये गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड है। माना जाता है कि ब्रह्मा ने इसी कुंड में 5000 साल तक तपस्या की थी, और गुरुद्वारे के तौर पर गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह ने भी यहाँ स्नान किया। अयोध्या को मुगलों से बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों से जंग भी लड़ी और उस जंग से पहले यही स्नान किया। निहंगों की सेना ने जिन हथियारों से युद्ध किया था वो इस गुरुद्वारे में अभी भी रखे हैं। गुरु तेग बहादुर की निशानियां भी यहां मिल जाती हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 5 का जन्म अयोध्या में हुआ, जिसमें पहले ऋषभदेव तीर्थकर भी शामिल हैं। आज भी उनकी बड़ी सी प्रतिमा अयोध्या के रायगंज में नजर आती है। इस जैन मंदिर को त्रेताकालीन माना गया, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने दोबारा बनवाया। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी के बाद दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी अयोध्या के ही बक्सारिया टोला में जन्मे थे। आज इस जगह को बेगमपुरा कहा जाता है। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन स्वामी अयोध्या के ही रामकोट में जन्मे थे। यहाँ रत्नपुरी जैन श्वेतांबर मंदिर देखा जा सकता है। पांचवे तीर्थंकर सुमतिनाथ यहीं के मोहल्ले मोन्धियाना राजघाट में जन्मे थे, जिन्हें समर्पित एक मंदिर आज भी यहाँ है। और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ का जन्म भी अयोध्या की धरती पर हुआ था। हिंदू, सिख और जैन धर्म के केंद्र में अयोध्या रही, लेकिन सुनी कहानियों और लिखे इतिहास में बसी साकेत या अयोध्या की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ बाबरी मस्जिद बनने से आया। 1735 में फैजाबाद के एक काजी के हस्ताक्षर वाले कागज में जिक्र था कि मुसलमानों के बीच उस मस्जिद को लेकर दंगा हुआ जिसका निर्माण दिल्ली के बादशाह ने करवाया था। 1765 में अफगान हमले से निपटने के लिए मराठों से मदद मांगी। मदद के बदले में काशी और अयोध्या देने का वायदा किया गया। मराठे उस वक्त पंजाब फतह में मसरूफ थे तो ये सौदा हो नहीं पाया। राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट में धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने गवाही में तुलसीदास के दोहा शतक में जन्मभूमि के जिक्र का उल्लेख किया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी जन्मभूमि का जिक्र आता है। उत्तरकांड के चौथे दोहे में जन्मभूमि और सरयू नदी का जिक्र साफ है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, अति प्रिय मोहि इहां के बासी, मम धाम दा पुरी सुखरासी, हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। 1877 आते आते इस स्थान के लिए झगड़ा शुरू हो गया। हिंदू लगातार जन्मस्थान में पूजा के अधिकार का इस्तेमाल करते तो कुछ मुस्लिमों ने मस्जिद पर कब्जे के लिए हिंदुओं से टकराव भी किया। 1870 में फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारी ने अपनी किताब हिस्टोरिकल स्केच ऑफ तहसील फैजाबाद जिला फैजाबाद में ऐसे ही एक बड़े झगड़े का जिक्र किया है। 1855 में एक बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें हिंदुओं ने हनुमानगढ़ी और मुस्लिमों ने जन्मस्थान पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज सरकार ने वहां एक रेलिंग लगा दी। मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे
और हिंदुओं ने बाहर एक चबूतरा बना लिया जिस पर वो चढ़ावा चढ़ाते। हर मजहब में जाहिर है जहाँ पूजा या इबादत होती है उसको अहमियत दी जाती है, उसका लोग ख्याल करते हैं, चाहे वो गिरजा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो। 1810 में एक अंग्रेज ऑफिसर है, उसकी पूरी रिपोर्ट है और उसमें दिया हुआ है कि यहाँ मस्जिद है, नमाज होती है। शीतल दुबे की रिपोर्ट में जिक्र है, पंजाब के निहंग सिख फकीर सिंह खालसा ने हवन और गुरु गोबिंद सिंह की पूजा शुरू कर दी, साथ ही श्री भगवान प्रतीक चिन्ह भी स्थापित कर दिया। प्रतीक चिन्ह स्थापित करते वक्त उसकी रक्षा के लिए 25 निहंग सिख मौजूद थे और ऐसे ही छोटे मोटे विवादों के बीच जन्मस्थान पर बनी मस्जिद में चबूतरे पर पूजा होती रही। 29 जनवरी 1885 को फैजाबाद मुंसिफ की अदालत में खुद को जन्मस्थान का महंत कहने वाले महंत रघुवर दास ने अर्जी दी कि 17x21 फीट के चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। चबूतरा महंत रघुवर दास के कब्जे में था। 24 दिसंबर 1885 को ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, चबूतरे पर वादी का कब्जा है और प्रतिवादी ने इस पर आपत्ति भी नहीं की है। चबूतरे और गुंबदों में रेलिंग विवाद को बचाने के लिए खड़ी की गई। 1885 को हुए दंगे की वजह से रेलिंग खड़ी करना जरूरी था। हिंदू और मुस्लिमों को अपनी पूजा पद्धति का इस्तेमाल करने के लिए ऐसा किया गया ताकि विवाद ना हो। मस्जिद और मंदिर का इलाका एक ही था, लेकिन हिंदू जहां पूजा करते हैं वो उन्हीं के कब्जे में है और उस पर कोई विवाद भी नहीं है। जिसके पास कब्जा और मालिकाना हक हो उसे निर्माण से रोका नहीं जा सकता, लेकिन मस्जिद के इतनी पास मंदिर बनने से कानून व्यवस्था में दिक्कत हो सकती है, और ये कहकर अदालत ने मामला खारिज कर दिया। इसके बाद कई बार जगह पर कब्जे के लिए दंगों तक के आधिकारिक रिकॉर्ड हैं, खासतौर पर 27 मार्च 1934 पर, जब बकरीद के मौके पर इलाके में दंगा भड़क गया और बैरागियों ने मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। 1947 में भारत आजाद हुआ और अगले ही साल अयोध्या में तनाव की खबरें आती रहीं, खासतौर पर 1949 में। 10 अक्टूबर 1949 को हिंदू पक्ष ने यूपी सरकार के उप सचिव केहर सिंह को आवेदन किया कि मस्जिद के पास एक मंदिर बनाया जाए। 22 और 23 दिसंबर की रात अयोध्या के इतिहास में एक ऐसा विवाद लेकर आने वाली थी जो इस शहर और देश के इतिहास का रुख मोड़ने वाली थी। 23 दिसंबर 1949 को लिखी FIR में कहा गया है कि 20 से 50 लोगों का समूह पिछली रात बाबरी मस्जिद में घुसा और मस्जिद में श्री राम की मूर्ति रख दी। फैजाबाद के DM और डिप्टी कमिश्नर KK नायर ने मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को इस घटना की सूचना दे दी। 26 दिसंबर को अपनी चिट्ठी में KK नायर ने घटना पर हैरानी तो जताई, लेकिन मूर्तियां हटाने से इनकार कर दिया क्योंकि मस्जिद को रास्ता हिंदुओं की पूजा पाठ वाले परिसर से ही जाता था। इसके बाद राम मंदिर, अयोध्या का इलाका अदालती कार्यवाहियों, तारीखों और राजनीतिक भाषणों में घूमता रहा। अब यथास्थिति बन गई, यानी हिंदुओं के लिए रामलला विराजमान हो गए और इमारत में ताला पड़ गया। दर्शनार्थी इसी ताले से रामलला के दर्शन करते। अयोध्या और राम मंदिर के इतिहास में 1 फरवरी 1986 की तारीख एक बड़ा मोड़ लेकर आई, जब फैजाबाद के वकील उमेश चंद पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जज ने आदेश दिया कि मस्जिद के ताले खोल दिए जाएं और हिंदुओं को वहां पूजा पाठ करने की इजाजत मिले। फैसला आने के महज 40 मिनट के अंदर ही ताले खोल दिए गए। सिटी मजिस्ट्रेट के ताले खुलवाने के फैसले का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया। अयोध्या का मुद्दा राजनीतिक बना जून 1989 में, जब BJP ने ये कहकर इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया कि ये आस्था का मुद्दा है, अदालत इसका फैसला नहीं कर सकती। और इसी साल अप्रैल में BHP ने 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर शिलान्यास की तारीख भी तय कर दी थी। अयोध्या की आध्यात्मिक जमीन राजनीतिक आंदोलन की अंगीठी बनने लगी। 9 नवंबर को इस तर्क के साथ शिलान्यास की इजाजत दी गई कि जहां शिलान्यास होना था वो जमीन विवादित इलाके से बाहर थी। हर सरकार की इच्छा यही थी और स्वाभाविक रूप से थी कि जल्दी से जल्दी
ये मामला सुलझ जाए, लंबा ना खींचे और देश का माहौल ख़राब ना हो। तो उस समय शिलान्यास की अनुमति देने के पीछे भी यही राजीव गांधी सरकार और उनके सलाहकारों की सोच थी कि इससे जो हिंदुओं की भावनाएं उग्र थीं, भड़की हुई थीं, जो एक आंदोलन चल रहा था उसको थोड़ी सी शांति मिलेगी, थोड़ा उनमें संतोष होगा, यानी वो उनकी उग्रता कम होगी। अयोध्या जिसे कोई नहीं जीत पाया था उसी के लिए युद्ध हो रहा था, शहर के लिए नहीं। अयोध्या इस राजनीतिक जमीन के लिए हो रहे मंथन से निकले विष और अमृत दोनों की साक्षी खामोशी से बनी रही। जितना कोलाहल राजनीतिक दुनिया में हो रहा था, ये शहर उससे अनजान सामान्य जीवन जीता रहा। देवों, भगवान, अवतार और चक्रवर्ती सम्राटों की अयोध्या राजनीतिक चक्रवात में फंस गई थी। किसी के लिए वो ऐतिहासिक गलतियां सुधारने का जरिया बनी तो किसी के लिए सत्ता की कुंजी। 1 जनवरी 1990 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिसर का सर्वे कराने की बात कही और जल्द ही अयोध्या एक बड़े बवंडर की मूक दर्शक बनने वाली थी। अयोध्या में आने वाले वक्त की पटकथा सैकड़ों किलोमीटर दूर से लिखी जा रही थी। प्रयागराज, जो उस वक्त इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां धर्म संसद के दौरान 27 और 28 जनवरी को बीएचपी की बैठक में फैसला हुआ कि मंदिर निर्माण के लिए 24 फरवरी से अयोध्या में कार सेवा की जाएगी। इससे केंद्र में बैठी वीपी सिंह सरकार के हाथ पांव फूल गए। सरकार का समर्थन कर रही बीजेपी राम मंदिर निर्माण को राजनीतिक मुद्दा बना रही थी। तो बीजेपी को तो उस आंदोलन से काफी बल मिला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मुलायम सिंह ने थोड़ी जाति की उस समय जो गोली वोली चली, अगर वो नहीं होती तो शायद इतना मामला न बढ़ता। तो बीजेपी तो बीएचपी के साथ थी। राजनीति, दबाव और कई दांव पेच के बीच बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐलान कर दिया कि वो सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालेंगे। बारह सितंबर को आडवाणी ने ऐलान किया और 25 सितंबर से उनकी रथ यात्रा शुरू हो गई, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या में खत्म होना था। केंद्र की वीपी सिंह सरकार और उसे समर्थन दे रही बीजेपी के बीच अयोध्या के मुद्दे पर खींचतान शुरू हो गई। बीजेपी ने साफ कर दिया कि अगर आडवाणी की रथ यात्रा रोकी गई तो वो केंद्र से समर्थन खींच लेगी। 23 अक्टूबर को ऐसा हुआ भी। बीजेपी के समस्तीपुर से आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया, रथ यात्रा रोक दी गई, रथ जब्त कर लिया गया, बीजेपी ने केंद्र से समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह सरकार अल्पमत में आ गई। भारतीय जनता पार्टी और इंटीग्रेशन काउंसिल में आडवाणी जी शायद बैठक छोड़ के चले गए थे, तो उसके बाद ही फैसला हुआ कि ये सरकार के साथ समर्थन रखना मुश्किल है, क्योंकि भारत के जनता में जो नाराजगी दिखाई दे रहा है, खास तौर पे जो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार, इसे समर्थन वापस लेने, सरकार गिर गए। उसके बाद मध्यवर्ती चुनाव हुआ था। तीस अक्टूबर को जिस दिन रथ यात्रा को खत्म होना था, अयोध्या में लाखों कार सेवक पहुंचने लगे। कार सेवक निहत्थे थे लेकिन वो पूरे जोश में थे। कई नेताओं को अयोध्या पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कार सेवकों का झुंड अब शहर में था। सिर्फ वीएचपी के अशोक सिंघल ही थे जो किसी तरह अयोध्या पहुंचने में कामयाब हो पाए। विनय कटियार और मोरोपंत पिंगले पहले से ही यहां मौजूद थे। हल्का फुल्का लाठी चार्ज तनाव को और बढ़ा रहा था। आखिरकार हालात हाथ से निकलने लगे। कुछ कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक जत्थे ने ढांचे के पिछले हिस्से से नींव खोदनी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए गोली चलाई जिसमें 11 कार सेवकों की मौत हो गई। इसके बाद हालात बेकाबू होते चले गए, लेकिन बड़ा स्थान नाम की जगह पर अर्धसैनिक बलों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। अयोध्या में 3 जगह गोली चली। विवादित ढांचे के गुंबदों पर चढ़े और नींव की खुदाई करने वाले कार सेवकों पर, मानव भवन तिराहे पर
और सरयू पुल पर। शाम तक किसी तरह हालात काबू में आए और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। हालांकि सरकार ये कहती रही कि कार सेवा नहीं हुई, लेकिन देश भर में इसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें 35 लोगों की मौत हुई। 30 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन एक कांड हुआ, उस कांड का फायदा उठाया गया कि भाई गोली चल गई तो वो और आंदोलन और बड़ा हो गया, उसी से तो ये बड़ा बना। फिर तो कहां कहां से कार सेवक आने लगे थे, टोलियों की टोलियां आया करती थी। 2 नवंबर को तनाव चरम पर था। एक बार फिर कार सेवक आगे बढ़ने लगे तो प्रशासन ने अंधाधुंध गोली चलाई। कितने लोगों को गोली लगी, कितने मारे गए, इसका सही हिसाब लगाना मुश्किल था। प्रशासन ने 40 लोगों को मृत बताया, लेकिन कितने घायल थे इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी। बेहिसाब लोगों के खून से अयोध्या रंग गई। दो भाइयों राजकुमार कोठारी और शरद कोठारी भी इसमें मारे गए। इन्हीं दोनों भाइयों ने 30 अक्टूबर को विवादित इमारत के गुंबद पर भगवा ध्वज फहराया था। कार सेवक सिर्फ धरना दे रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हमको अपने रामलला के प्रांगण तक जाने दिया जाए, तो फिर हनानगढ़ी वाला चौराहा हो या पीछे के जितने भी रास्ते राम जन्मभूमि की ओर जाते थे, सब जगह से कार सेवकों खींच खींच करके गोली मारी। उसमें विशेष गोली जो थी वो दिगंबर अखाड़े के सामने, लाल कोठी, ऐसे सभी स्थानों पर, और कार सेवकों को और सामने से सीने पर गोली मारी गई। 7 नवंबर को बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से पीएम बने। 1990 में हुए आम चुनाव के दौरान ही राजीव गांधी की हत्या हो गई। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई, पीएम नरसिम्हा राव बने। यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता, कल्याण सिंह सीएम बने। कल्याण सिंह ने विवादित परिसर के पास 2.77 एकड़ की जमीन अधिग्रहण करने का फैसला किया। साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि सरकार विवादित ढांचे की हिफाजत करेगी। सबसे प्रमुख बात ये थी कि मस्जिद का विध्वंस न हो, क्योंकि सब जानते थे कि अगर मस्जिद तोड़ी जाएगी तो उसका असर बहुत खराब पड़ेगा। भले ही हिंदुओं को ये लग रहा था कि हर तरह से न्याय उनके पक्ष में था, लेकिन मुसलमान भी हैं देश में और उनकी भावनाओं की चिंता करना ये किसी भी सरकार और प्रशासन का एक दायित्व था। अब अयोध्या की जमीन आक्रामक राजनीति और कार सेवा दोनों को ही देख रही थी। पूरे देश की राजनीति जैसे अयोध्या पर केंद्रित हो गई थी। दिल्ली की सियासत रोज करवट बदल रही थी और अयोध्या जैसे सहमे हुए इस पर नजर रख रही थी। अयोध्या के लोग इस सब आंदोलन से और रोज रोज के बंदी से परेशान थे, वो लोग चाहते थे, इसलिए वो लोग भी राम मंदिर के ही पक्ष में थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट अयोध्या में जमीन अधिग्रहण के मामले सुन रहा था। 30 नवंबर 1992 को उसे अपना फैसला सुनाना था। बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया। अदालत ने फैसले की तारीख टालकर 5 दिसंबर कर दी। उसे एक बार फिर टालकर 11 दिसंबर कर दिया गया। 5 दिसंबर को लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ी रैली की। सैकड़ों साल तक टकराव और मुकदमे चलते रहे, उसे धूल में मिला दिया गया। अयोध्या में एक तरह से दिवाली मनाई गई थी। हर घर में दीपक जले थे, हर लोग सड़क पे थे, सब लोग नाच रहे थे, खा रहे थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
ढांचा गिरने के बाद अयोध्या के बाहर राजनीति का तूफान आ गया, लेकिन यहाँ एक वीराना सा छा गया, एक तूफान के बाद की शांति जैसा। ध्वंस से उठी धूल में सब दब गया। सैकड़ों साल का इतिहास, संघर्ष, अदालत, तारीखें, भाषण और विवाद, सब जमींदोज हो गया था। इसके आगे की दास्तान अदालती कार्यवाहियों में दर्ज होती रही। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को जमीन देने का फैसला किया। साथ ही कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, वो मंदिर जो राम राज्य, न्याय, भारत के भव्य इतिहास और मान्यताओं का प्रतीक होगा। मस्जिद धन्नीपुर में बनेगी, जो अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर है। वेदों से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय करने वाली अयोध्या युद्ध में तो रही, लेकिन युद्ध का हिस्सा नहीं बनी। हर बार ये न्याय की जीत की साक्षी रही है। अयोध्या ने राम राज देखा, विक्रमादित्य, मुगल, नवाब, अंग्रेज और आजाद भारत सब देखा। इतिहास की खरोंचों से ये दैविक भूमि दूर रही, शायद इसकी वजह इसका इतिहास रहा। रघुकुल की इस नगरी के राम राज्य ने आधुनिक राजनीति की सरकारें बनाई, बिगाड़ी। राम आजादी ही नहीं, भारत के इतिहास से पहले से मानस में बसे हैं, और अयोध्या इसी मानस की चश्मदीद रही है। अयोध्या जो राम राज्य का केंद्र बनी रही है, इसकी कहानी भी उतनी ही रोचक है जितना इसमें बसने वाले पात्रों की। इस नगरी ने वो सब कुछ देखा है जो एक महाकथा में होता है, संघर्ष, समृद्धि, विनाश और सुखद अंत। अयोध्या एक नई यात्रा पर निकल पड़ी है और इस महाकथा के एक साक्षी हम भी हैं।